हेलो गुड इवनिंग, मैं कुणाल पंडित, आप देख रहे हैं न्यू केक वाला। तो आइए आज हम वेनिला स्पंज अंडा वाला कैसे लगाते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि सर आप केक तो बहुत बढ़िया बनाते हैं पर स्पंज का रेसिपी आप कभी शेयर नहीं करते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर इस वीडियो को बना रहे हैं, अंडा वाला वेनिला स्पंज। तो आइए हम सबसे पहले स्पंज बनाना सीख लेते हैं। आप देख पा रहे हैं चार ट्रे अंडा का हम स्पंज बना रहे हैं, 120 पीस अंडा है। तो सबसे पहले हम ये अंडा को इस भगोने में तोड़ लेते हैं। जो स्टील का बर्तन हम लिए हुए हैं इसमें पूरा अंडा को तोड़ के रखेंगे। हमको थोड़ा स्पंज ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, इस वजह से हम चार ट्रे अंडा का स्पंज हम बना रहे हैं। आपको अगर कम क्वांटिटी में बनाना रहे तो हम 1 kg का रेसिपी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप रेसिपी को पूरा वहां से आप देख सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं 3 ट्रे अंडा हम तोड़ चुके हैं, ये 4th ट्रे है। तो पूरा अंडा को तोड़ लेते हैं इसमें, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताएंगे। देखिए ये अंडा लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है 4 ट्रे। अब ये अंडा को हम मशीन में डालेंगे, जो मिक्सर मशीन है हमारा बहुत बड़ा है मशीन। तो पूरा अंडा को हम इसमें पहले डाल देते हैं, उसके बाद 4 किलो शुगर ऐड करना है। तो आप देख पा रहे हैं हम वेट करके रखे हुए हैं, एक बार हम आपको फिर से वेट करके दिखा देते हैं। ये देखिए 4 किलो शुगर है, ये शुगर को भी हम मशीन में डाल देते हैं। और ये शुगर डाल दिया हूँ, अब ये 5 मिनट मशीन को हम चलाएंगे स्पीड में। अब इसमें हम केक जेल ऐड करेंगे, ये मास्टर लाइन कंपनी का हमारे पास केक जेल है। अब इसको हम 200 ग्राम वेट कर लेते हैं। अब देख पा रहे हैं कि हम 200 ग्राम ही जेल इसमें यूज करेंगे, तो 200 ग्राम थोड़ा ज़्यादा है तो निकाल लेते हैं। अब ये केक जेल को हम मशीन में डाल देते हैं और कम से कम 10 मिनट हाई स्पीड में मशीन को चलाएंगे, ताकि हमारा जो ये है प्रॉपर उठेगा। अभी अब इसमें 4 किलो मैदा हम ऐड करेंगे, तो ये भी वेट करके रखे हुए हैं लेकिन आपको हम फिर वेट करके दिखा देते हैं। देखिए 4 किलो मैदा है और इसमें हम 30 से 40 ग्राम तक वेनिला पाउडर यूज करूँगा। तो इसको हम इसी मैदा में मिक्स कर देते हैं। देखिए 40 ग्राम हम ऐड किए हैं। अब इसमें बेकिंग पाउडर हमको करीबन 20 ग्राम ऐड करेंगे, तो इसको भी हम 20 ग्राम वेट कर लेते हैं। आप वेट से डालिएगा तो बहुत ही बढ़िया आपका स्पंज आएगा। तो देखिए हम 20 ग्राम ऐड कर चुके हैं और ये मैदा को अब हम मशीन में स्लो करके डालेंगे, ताकि हमारा मैदा बाहर ना जाए। तो मशीन स्टार्ट कर लेते हैं। Thank you.
देखिए पूरा मैदा ऐड कर चुके हैं, इसके बाद हमको इसमें रिफाइंड ऑयल 1 लीटर डालेंगे। तो देख पा रहे हैं हम इसमें ऑयल ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद आप इसमें एसेंस यूज कर सकते हैं, तो इसमें हम वेनिला एसेंस यूज करेंगे 2 से 3 चम्मच। देख पा रहे हैं वेनिला एसेंस डालने के बाद मशीन को हाई स्पीड में हमको चलाना है 5 मिनट या 2 मिनट तक। तो देखिए हमारा मिक्सर रेडी हो चुका है, अब इसको हम राउंड में लगाएंगे, सांचा में, मोल्ड में। तो सबसे पहले हम नीचे ऑयल लगा लेते हैं ताकि हमारा जो स्पंज डालेंगे इसमें वो चिपक ना जाए। तो ऑयल लगाने के बाद नीचे हम एक बटर पेपर कटिंग करके रखे हुए हैं, सिर्फ नीचे लगा रहे हैं, आप पूरा कवर कर सकते हैं। देखिए अब ये देखिए हमारा स्पंज का मटेरियल रेडी है, तो इसको अब हम मोल्ड में, जितना भी मोल्ड हमको लगाना है वो मोल्ड में हम इसको भरेंगे। अगर आपको 1 kg केक बनाना है तो करीबन 6 ग्राम तक आपको भरना है ताकि पक के हमारा 500-550 ग्राम वजन आएगा। तो आप देख पा रहे हैं हम भर रहे हैं इसको। उसी तरह से देखिए हमारे पास कुछ सीट भी है, कुछ 1 kg केक है, कौन कुछ 1/2 kg का भी केक है, तो पूरा हम भर के रेडी किए हुए हैं। अब हम ओवन को स्टार्ट करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास गैस का ओवन है, तो इसका बर्नर को हमको जलाना पड़ता है और इसका टेम्परेचर सेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ओवन को जलाते हैं। नीचे का बर्नर है, देख पा रहे हैं यहाँ हम बर्नर को जला रहे हैं। ये देखिए नीचे का बर्नर मेरा जल गया। अब ये बीच में एक और भी बर्नर रहता है ऊपर का और, उसको भी हम जला लेते हैं। तो देखिए वो भी हमारा जल चुका है। अब इसका टेम्परेचर जो है ऊपर 180 या 200 के बीच में रखना है, नीचे का 150 या 160 का बीच में टेम्परेचर रहेगा। अब देखिए हम ये मोल्ड को पूरा अंदर ओवन में डाल दे रहे हैं पकने के लिए। तो हम पूरा सेटिंग करके इसमें रख रहे हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा है। तो अब इसको हम बंद कर देते हैं। देखिए टेम्परेचर हम जो बोले थे 180-200 का ऊपर का रहता है, नीचे अपना 150-160 में रखना पड़ेगा टेम्परेचर। अभी हम थोड़ा गैस को ओपन किए, इसकी वजह से टेम्परेचर नीचे का कम हुआ है, ऊपर का टेम्परेचर बराबर है अभी। तो 20 मिनट के बाद हम एक बार चेकिंग कर लेते हैं कि स्पंज किस तरीके से पक रहा है, क्योंकि गैस का ओवन है, ये हर मास्टर अपने ऊपर पकाने का ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से उसको पकाया जाए सही से। बहुत लोग थोड़ा सा बर्नर रहता है जैसे जल रहा है तो थोड़ा सा स्पंज को इधर उधर मोल्ड को घुमा के करते हैं ताकि हमारा जो स्पंज है वो ओवन में प्रॉपर सभी स्पंज एक जैसा पके। ऐसा नहीं है कि जिधर बर्नर है उधर ज़्यादा पक रहा है, जिधर बर्नर नहीं उधर कम पक रहा है, करके थोड़ा सा इधर उधर एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है बोल हमको किस तरीके से स्पंज पकाना है। तो हम देख पा रहे हैं इधर उधर थोड़ा सा स्पंज मोल्ड को आगे पीछे इस तरीके से फिर से सेटिंग कर दिया हूँ अंदर। आप देख पा रहे हैं कि हमारा ये टाइम अब टोटल 40 मिनट कंप्लीट हो चुका है। तो अब देखते हैं हमारा स्पंज कितना बढ़िया पका है। तो आइए हम सबसे पहले स्पंज निकालते हैं। देखिए मेरा स्पंज पक गया है। तो देखिए कितना बढ़िया स्पंज पका है। तो
इसी तरीके से ओवन में हम जितना भी स्पंज डाले हैं पूरे स्पंज को हम निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले निकाल लेते हैं स्पंज को, उसके बाद हम आपको स्पंज को कटिंग करके भी दिखाते हैं कि कितना बढ़िया स्पंज पका है। तो देख पा रहे हैं ये पूरा स्पंज हम निकाल चुके हैं। तो आइए हम आपको एक स्पंज को कटिंग करके दिखाते हैं कि कितना सॉफ्ट है या हार्ड है। तो स्पंज हमारा बहुत ही सॉफ्ट रहता है, स्पंज बहुत ही टेस्टी स्पंज रहता है। तो इसको हमको कटिंग करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बोल इसका जाली जो है वो भी प्रॉपर आया है या नहीं आया है। रेडी हो गया है, थैंक यू।